गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार कैसे हो सब? तो भाई आज हम आपको लेके आए हैं होंडा एलिवेट के अंदर। भाई जैसे आप सबसे वादा किया था, एक्सटीरियर रिव्यू आपके लिए आ चुका है, पहले चैनल पे वो चेक कीजिए, तभी आपको होंडा एलिवेट के बारे में और अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। बाकी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो यार सबसे पहले हम आपको गाड़ी ऑन करके दिखाएंगे। आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिलता है, तो भाई अब हम दबाएंगे क्लच और सीधा हमने बटन अपनी चालू की। अब बाकी देखिए गाड़ी ऑन हो गई है और अब ये देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे 10.25 का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, जिसमें आपको गाड़ी का थोड़ा बहुत आपको UI दिखाया गया और बाकी ये वेलकम कर रही है आपको। तो भाई वेलकम टू होंडा एलिवेट। और भाई बाकी देखो यार, इस गाड़ी के बारे में मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि भाई होंडा वालों ने इतनी प्यारी मतलब ये बोलूंगा कि देखो अंदर से जो इसका क्लस्टर है ना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी क्यूट लग रहा है। क्यूट इन द सेंस देखो, लग तो ये डिजिटल सा ही रहा है। अब देखो जैसे अपनी गाड़ी में है ना, उसी तरह का है ये। शॉर्ट सा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है और इसके अंदर अभी आप ये देखिए। तो भाई देखो सबसे पहले ये आपको स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे मिल ही रहा है। तो ओनर आपको बता रहे हैं यहाँ पे ये आपके फंक्शंस हो गए अंदर आपको चेक करने के। ठीक है दोस्तों, ऊपर आपको होम स्क्रीन पे जाने का फंक्शन हो गया। बाकी ये आपके वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन हो गए। अच्छा, ये जो आपका फंक्शन है ये आपका नॉर्मल सोर्स का हो गया कि ये आपके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी हो रही है। अच्छा, अब ये आपके कॉल उठाने वगैरह और ये बैक वगैरह जाने के, ये जो है ये आपको स्पीकर पे बोलने का। अब ये जो अपोजिट तरह का है ये हम आपको बताते हैं। देखो ये, क्योंकि ये देखने से ही लग रहा है, तो ये है अपना क्रूज कंट्रोल का, क्रूज कंट्रोल कैंसिल करने का, ये अपनी स्पीड बढ़ाने का क्रूज कंट्रोल के वक्त और ये घटाने का। बाकी अब ये दो फीचर्स हैं, इनके बारे में हम एंड में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी में ADAS है, तो आपको ADAS के बारे में एंड बताऊंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ हॉर्न इसका, आप ये सुनिए आप। तो यार हॉर्न काफी अच्छा है गाड़ी का। अब ये देखिए, अब हम आपको ना यहाँ पे इसकी इंफोटेनमेंट, अब ये देखिए आप यार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना प्यारा लग रहा है गाड़ी का। मतलब जो बंदा है से गाड़ी, अब आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, आगे से आपको बोनट व्यू भी दिख रहा है। बाकी ये आपका भाई ये रहा, तो भाई सब्सक्राइब कर देना पहले तो चैनल को। उसके अलावा भाई ये देखिए, आपको यहाँ पे लाइट नहीं प्रोवाइड की गई है वैनिटी में, और ये आपको इस तरह मिल जाता है। ऐसे ही आपको अपोजिट तरफ में आपको यहाँ पे ये देख लीजिए एयर बैग की बैजिंग मिलती है और यहाँ आपको वैनिटी लाइट प्रोवाइड की गई है। बाकी गाड़ी में यार 6 एयर बैग्स हैं, तो यार ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई नितिन गडकरी जी ने पहले से ही बोला हुआ है कि भाई टोटल 6 एयर बैग तो कंपलसरी है ही है गाड़ियों में। बाकी ये देख लीजिए यार, आपको डिजिटल AC का यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है अपना पूरा। ये देख लीजिए आपको पीछे का, आगे का, और जो नॉर्मल AC कंट्रोल्स होते हैं वही आपको यहाँ पे मिल गए। बाकी यार AC जितना हम अभी बैठे हैं अभी गाड़ी में, तो यार AC बहुत अच्छा काम कर रहा है गाड़ी का। हालांकि अभी अक्टूबर, मतलब आप मान लीजिए नवंबर ऑलमोस्ट लगने वाला है, पर फिर भी गर्मी अभी पीक पे है। हालांकि ठंडी है, पर यार AC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी अभी देख लीजिए आपकी पार्किंग लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और ये हम अभी बंद कर देते हैं, फालतू क्यों चलाना। अब यार हम आपको ना इसकी स्क्रीन के बारे में बताएंगे, उससे पहले आपको पहले नीचे के बारे में बताएंगे। देखिए क्योंकि गाड़ी मैनुअल है, तो ये देख लीजिए छोटा सा मैनुअल आपका ये हो गया गियर, बहुत क्यूट लग रहा है। अच्छा, इसमें जो है देखो, इसमें रिवर्स गियर लगाने, अब रिवर्स गियर की बात आ रही है तो हम आपको रिवर्स गियर भी लगा के दिखा। देखिए क्लच दबाई और इसको पीछे करा, तो यार अब ये देखिए आप, ये देखिए यार होंडा वालों ने कितनी प्यारी, मतलब आप ये देख लीजिए सराउंडिंग्स आपको दिख रही है पूरी, और बैक कैमरा की क्लियरिटी काफी अच्छी है। और आपको देखिए ऊपर से अपनी एलिवेट भी दिख रही है पूरी की, और ये देखिए क्योंकि बैक कैमरा ऑन है तो इन्होंने पीछे से बैक को लिट अप भी कर रखा है। बाकी आप ये बैक सराउंडिंग्स भी देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम ये नॉर्मल इसको रखेंगे। अब ये देखो भाई यहाँ पे आपका ये देखो कनेक्टिविटी के लिए हो गया, ये आपका AM/FM के लिए हो गया कि आपको कौन सा रहना है, ब्लूटूथ अभी हमने कनेक्ट नहीं करा उसके लिए। बाकी ये आपके कॉल्स वगैरह, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है तो ये नहीं होगा। अच्छा, ये जो है ये आपका एप्पल कारप्ले का है, तो एप्पल कारप्ले के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये आपका नेविगेशन के लिए हो गया, तो यार ये फिर आपका भाई एंड्रॉइड ऑटो की मदद से। अब हम सेटिंग्स में चले जाते हैं, तो यार ये सेटिंग्स में देखिए, अब सेटिंग्स में क्या क्या नॉर्मल भैया कि आपकी कौन सी डिवाइस लिस्ट हो गई इसके अंदर, इन द सेंस आपकी ब्लूटूथ कौन से USB का हो गया, साउंड देख लीजिए बीप हो गया, सिस्टम वॉल्यूम मतलब अप डाउन करने के लिए, डिस्प्ले की आप देख लीजिए। तो यार ये मेन स्क्रीन जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और भाई देखो टच एंड रिस्पॉन्स इतनी मैंने अभी तक छू है काफी अच्छा है भाई, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लैग हो रहा है ना, तो ये काफी अच्छा है। चाहे ओपनिंग एनिमेशन इन द सेंस जो हमने शुरुआत में आपको दिखाई थी कि यहाँ पे एक होंडा की एलिवेट की बैजिंग आई थी और डिजिटली एलिवेट आपको दिखाई गई थी, तो उसको बंद करना ऑन करना। बैकग्राउंड कलर हो गया कि अभी जैसे भाई ने यहाँ ब्लैक रखा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे अब हम इस पे गए, रेड कर दें, ग्रीन कर दें, तो देखिए ये रेड कलर हो गया, पर ये काफी बेकार लग रहा है तो हम ब्लैक पे ही स्विच करेंगे। बाकी ये देखिए भाई फोटोग्राफ, आप अपनी फोटो लगा दो, वो कर दो, वो तो नॉर्मल चीजें जो मिलती हैं। बाकी आपको जैसा मैं आपको बता रहा था होंडा एलिवेट के बारे में, अब हम इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। बाकी देखिए सेटिंग्स में मैंने आपको इसका काफी बताया, ओपनिंग एनिमेशन वगैरह के बारे में। दोस्तों फोटो पे तो हम ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम है, क्लॉक मोड आप 24 आवर्स रखना चाहते हैं, 12 आवर वाली, टाइम जोन हो गया आपका, भाई ये तो नॉर्मल वही जो चीजें हैं।
और ये अपने एडास वगैरह का रहता है, और अबाउट मतलब भी आपको गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो भाई ये थोड़ा आप दूरी रहे QR कोड से। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सामने की तरफ से बता दिया, अच्छा हाँ, अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा चार्जिंग के बारे में भी बता देते हैं। बाकी देखिए वायरलेस चार्जिंग का आपको यहाँ पे स्लॉट मिल ही जाता है। यार ये देखो आपको यहाँ पे भाई ने तार लगाई रखी है, तो ये भी आप समझ ही जाओ लगा। अच्छा एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई दो गाड़ी के अंदर, भाई ये जो आप स्विच देख सकते हो ना, इसको बढ़ाने और घटाने से आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस बढ़ सकती है। मेरे को ये फीचर पर्सनली बहुत अच्छा लगा। क्यों, इसका मैं रीज़न ये बताता हूँ, क्योंकि देखिए आजकल ये हर गाड़ी में फीचर है, पर कुछ गाड़ियों में क्या होता है, ये ना इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपको जाने करना पड़ता है, तो यार वो इतना टाइम लग जाता है, या फिर आपको यहाँ पे बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जाएं और फिर एड्रेस करें। पर यार होंडा वालों ने ये बहुत प्यारा फीचर दिया है। बाकी भाई अब वही देख लो आप, अपना यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह का है अपना, और ये अपना भाई अपने वाइपर्स वगैरह के बारे में, और ये भाई जैसे मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था, यार ये आपको ऑटोमेटिक मिरर नहीं मिलता यहाँ पे। बाकी ये देख लो भाई, अपने को इसमें मूनरूफ और स्लैश सनरूफ पे मिलती है, उसको तो क्या ही खोलना आपको पता ही है उसके बारे में, उसके कंट्रोल्स आपको ऐसे मिल जाते हैं। बाकी यार ये देख लीजिए, आपको यहाँ अंदर LEDs प्रोवाइड की गई है, ये काफ़ी अच्छी है। व्हाइट लाइट्स हैलोजिन आजकल अब पुरानी हो गई भाई, वो ब्राउन ऑरेंज वाली, तो अब व्हाइट लाइट्स का जमाना चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी यार ये देख लो, आपको फास्टैग वगैरह प्रोवाइड किया गया है। अब भाई हम कर लेते हैं यहाँ पे एडास की बात। तो देखो दोस्तों, ये जो है ये आपको मैंने बोनट के बारे में जब बताया था एक्सटीरियर वाले में, तो उसमें आपने देखा होगा एडास के बारे में, तो एडास है गाड़ी में। एडास की जो फंक्शनलिटी है वो आपको स्क्रीन में साइड में पॉपअप करवा दी जाएंगी, क्योंकि एडास के बारे में आपको भाई अभेद भाई ने XUV 700 के रिव्यू में भी काफ़ी कुछ बताया था, तो बाकी मेरा ज़्यादा कुछ बनाना उस पर बनता नहीं है, तो मैं उसको आपको पॉपअप करवा दूंगा। बाकी फ्रंट से मैंने काफ़ी कुछ आपको गाड़ी के बारे में बताया। ये देखिए यार ORVM भी काफ़ी इसका बड़ा है दिखने में। अच्छा अब मैं जैसे ORVM की आपको फंक्शनलिटी बता रहा था, भी देखिए जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ना, तो देखो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने लेफ्ट साइड जिस साइड का आप इंडिकेटर देंगे ना, उस साइड का आपको यहाँ पे इसका मिरर दिख जाएगा, ठीक है भाई। और इसी तरह अब हम इसको ऑन करके राइट साइड में देखेंगे, तो राइट साइड में नहीं है ये सिर्फ फंक्शनलिटी, लेफ्ट साइड में। तो यार ये क्या है होंडा वालों, ये ज़रूर हमें बताएं। बाकी भाई देखो ओवरऑल मेरे को काफ़ी प्यारी लगी गाड़ी। देखो ट्विटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, एयरबैग की आपको यहाँ पे फंक्शनलिटी दे ही रखी है, तो बाकी यार ओवरऑल एक फैमिली पैक गाड़ी है ये, मतलब मैं बोलूँगा। तो फ्रंट से तो भाई बहुत प्यारी गाड़ी लग रही है, बाकी अब जब मैं इसके पीछे जाऊँगा ना, तब आपको बताता हूँ कि पीछे का क्या सिस्टम रहता है होंडा एलिवेट का। तो आ जाओ दोस्तों, अब चलते हैं पीछे। A little longer than a few minutes later. अब मैं आ चुका हूँ होंडा एलिवेट के पीछे। भाई देखो होंडा वालों ने कवर कितने प्यारे दे रखे भाई, मतलब मैं बोलूंगा इसमें जो है ना आपको भाई बेज और ब्लैक का काफी अच्छा प्यारा कॉम्बो दे रखा है, तो इसकी वजह से गाड़ी एकदम निखर के आ रही है। मतलब ये नहीं है, आपको ये नहीं लगेगा कि गाड़ी अंदर से डल है, भाई गाड़ी एकदम ब्राइट और प्यारी लग रही है। देखो भाई पीछे से क्या है अपना नॉर्मल, ये आपको AC वेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पे भी पावर आउटलेट दे रखा है चार्जिंग वगैरह के लिए। देखिए सीट कवर्स में आपको यहाँ पे पॉकेट स्पेसेस प्रोवाइडेड है। अभी आप ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये देखिए, ये आपका विंडो अप डाउन का हो गया, ठीक है। ये आपको स्पीकर के लिए ट्विटर प्रोवाइडेड किया है, ये आपका स्पीकर ये रहा, ये आपको बॉटल स्टोरेज दे रखी है, ये साइड में भी आपको स्टोरेज है। बाकी अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप अपने कप होल्डर्स हैं आपके दो, आप जैसे आप चार लोग बंदे जाएंगे ट्रिप पे, तो वो आराम से दो बैठ के यहाँ पे अपना कप वगैरह रखे जूस भी पी सकते हैं भाई। प्लीज़ भाई हार्ड ड्रिंक्स ना पिए, वो तो अच्छी बात नहीं होती, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। बाकी यार अब पीछे आपको और दिखाते हैं, तो यार ये आपके एडजस्टेबल होते हैं हेडरेस्ट, आपको ये पता ही है। बाकी भाई देखो इसमें क्या है, गाड़ी में जैसे चढ़ने उतरने की बात की जाए सबसे पहले, तो जैसे अभी मैं खुद चढ़ा उतरा गाड़ी में, इतना मेरा आना जाना हुआ, तो यार मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई गाड़ी में चढ़ने उतरने में। बाकी यार गाड़ी अंदर से भी आपने देखी काफ़ी सुंदर लग रही है, बस मैं ओनर को एक चीज़ का इसमें सजेशन ये देना चाहूँगा कि भाई देखो इन्होंने मैट्स भी कंपनी वालों ने दिए, पर मैं ओनर को पर्सनली एक सजेशन ये दूंगा अपनी तरफ से कि भाई इन मैट्स की जगह आप दूसरे मैट्स इसलिए लगवाएं। क्यों, क्योंकि यार देखो जैसे अभी हमारे जूते हो गए, या कभी ओनर चढ़ेंगे इसके अंदर या कोई भी चढ़ेगा, तो ना गाड़ी गंदी होगी साइड में से। अब जो हमारे 90 मैट्स है, ये कोई प्रमोशन नहीं बता रहा भाई, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, कि 70 और 90 मैट्स है ना आपकी साइड में कवर हो जाता है, तो मतलब गाड़ी में ना लुक भी बहुत एनहांस होकर आती है। बाकी भाई देख लो पीछे आपको फिर से ये लाइट मिलती है, ये भी अपनी वाइट लाइट है, तो वो नथिंग न्यू। बाकी ये देख लो भाई आपका ये हो गया, ये कोट होल्डर हो गया आपका, एक हुक। बाकी यार देखो अंदर से तो नॉर्मल सब सेम ही है, और बाकी हमने आपको इसी बूट स्पेस के बारे में बताई दिया था। बूट स्पेस के लिए आपको अगर फिर से रेकमेंड करना है, तो आप जाइए भाई इसका एक्सटीरियर रिव्यू चेक कीजिए। और भाई देखिए आजकल तो क्योंकि सीट बेल्ट का काफ़ी क्रेज़ हुई है पीछे भी, तो भाई पीछे सीट बेल्ट के लिए भी आपको होंडा वालों ने प्रोवाइड किया गया है सबको। ये देख लीजिए पीछे के सीट बेल्ट भी आपको प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। बाकी यार गाड़ी में ना फोल्ड का भी सिस्टम है, मतलब मान लो कि आप दो बंदे कहीं जा रहे हो ट्रिप पे, लॉन्ग ट्रिप पे, और आपके पास भरपूर सामान है, तो देखो डिग्गी में तो आ जाएगा सामान, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप बूट के अलावा इन सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं, तो फोल्ड करके तो एकदम मैसिव जायंट स्पेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो बाकी यार मेरे हिसाब से आपको मैंने इधर के लिए काफ़ी बताया, अब फिर से आपको क्योंकि अब ये गाड़ी का इंटीरियर रिव्यू है, तो बूट हमें फिर से कवर करना पड़ेगा, तो आइए फिर से हम बूट स्पेस की तरफ चलेंगे और फिर आपको बताएंगे, आ जाइए दोस्तों।
देखिए होंडा एलिवेट का बूट स्पेस कुछ आपको ऐसा दिखता है। देखिए गाड़ी पीछे से ऐसी लग रही है। बाकी ये देखो भाई ये पार्सल ट्रे है, ये तो रिमूवेबल है भाई, ये यहाँ से हट जाएगी। उसके अलावा ये देखो भाई स्पेस कितना तगड़ा है भाई, बूट स्पेस मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि भाई होंडा वालों ने बहुत कमाल काम किया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बूट स्पेस का पता ही है, आजकल गाड़ियों में बूट स्पेस प्रोवाइड की ही नहीं जा रही है। बाकी यार ये देखिए आप, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया 17 इंच का आपको अलॉय व्हील मिलता है, तो कंपनी वालों ने इसमें क्या किया है, 17 इंच का तो आपको अलॉय व्हील में है और बाकी आपको स्पेयर व्हील जो है वो 16 इंचेस का प्रोवाइडेड है। बाकी भाई आप ये देख लीजिए भाई, जो नॉर्मल चीज़ें प्रोवाइड की जाती है कार कंपनियों की तरफ से, ये अपनी नॉर्मल किट हो गई है ना, और यहाँ पे नीचे आपको स्टेपनी जोड़ने के अपने सारे औजार मिल गए। बाकी भाई एक चीज़ वो बहुत अच्छी है होंडा वालों ने जो प्रोवाइड की है, जो कि भाई उन्होंने ओनर को एक पूरी ये किट दी है और इस किट के अंदर सारे वो सॉल्यूशंस हैं जिससे आपकी गाड़ी पूरी तरह साफ हो सकती है। तो मैं आपको ये किट खोल के दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए। तो एक सेकंड दोस्तों वेट कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको पूरी ऐसी किट प्रोवाइड की गई है होंडा वालों की तरफ से, जिसमें आपके सारे टायर शाइन लोशन है, शैम्पू है, इंटीरियर क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है। तो यार इस चीज़ के लिए होंडा को थम्स अप है हमारी तरफ से। बाकी ये देखो तो बाकी यार ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई ये वीडियो शूट हो रहा है शास्त्री नगर में। वो भाई घर से यहाँ आना एक मतलब आप मानिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक भाई गाड़ी से आने में तो हालत ख़राब हो गई। तो यार आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, वीडियोज़ को आप प्यार दे ही रहे हैं तो भाई इस वीडियो को भी प्यार दें भाई। अब जब इसका शूट करेंगे तब आपको बताएंगे। तो अनटिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।